ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह यूपी के प्रवास पर रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आज 11 बजे वो महाराजगंज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, ये अहम जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं दोपहर 12:30 बजे देवरिया में एक बड़ी जनसभा करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे बलिया में जनसभा का आयोजन है, जिसको गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे, ये अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। तो वहीं सोनभद्र में भी 4:00 बजे एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। 5:30 बजे गाजीपुर पहुंचेंगे अमित शाह, ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां वो यूपी के प्रवास पर रहने वाले हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करते हुए भी देखे जाएंगे। लाल दरवाजा चौक होते हुए चीननाथ मोड़ तक आज वो बड़ा रोड शो करने वाले हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के प्रवास पर रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आखिरी चरण के लिए लगातार वो प्रचार में जुट गए हैं और आज इसी क्रम में वो यूपी के 5 जिलों के दौरे पर हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र और गाजीपुर का वो दौरा करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज 11 बजे वो महाराजगंज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे देवरिया में एक जनसभा करते हुए भी अमित शाह नजर आएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद दोपहर 2 बजे बलिया में उनकी एक अहम जनसभा होने वाली है। बता दें कि आखिरी चरण के मतदान के लिए लगातार वो प्रचार कर रहे हैं और 4:00 बजे सोनभद्र में भी आयोजित जनसभा शामिल होते हुए नजर आएंगे। 5:30 बजे वो गाजीपुर पहुंचेंगे और वहां पर भी वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करते हुए भी नजर आएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लाल दरवाजा चौक होते हुए चीतनाथ मोड़ तक ये बड़ा रोड शो भी होने वाला है। आज गृह मंत्री अमित शाह यूपी के प्रवास पर है। साथ ही बता दें कि 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है, जिसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसी क्रम में वो 5 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं।